ने नहीं देती। श्री आनंद भदौरिया, द मोशन ऑफ थैंक्स टेबल्ड बाय श्री अनुराग ठाकुर जी, मेनी मेनी थैंक्स। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। मान्यवर, पहली बार लोकतंत्र के इस मंदिर में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, मुझे मेरी बात रखने का अवसर मिलना मेरे लिए गर्व का विषय है। इसका श्रेय मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी, मेरे लोकसभा क्षेत्र धौरहरा की महान जनता तथा पीडीए की एकता को देना चाहता हूं, जिसके लिए मैं उस बृहत्तर समाज और उसे एकता के सूत्र में बांधकर समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का वंदन अभिनंदन करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे उम्मीद थी कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों की आय दोगुनी करने का जो एक दशक पुराना वायदा है, उसका कुछ तो उल्लेख होगा। याद रखना, बिना किसानों के समृद्धि के अमृतकाल और विकसित भारत जैसे शब्द बेईमानी है। मुझे अदम गोंडवी साहब की चार पंक्तियां याद आ रही हैं, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। क्या हालत है आज किसानों की, किसान कर्ज तले दबा हुआ है, आवारा पशुओं और साड़ों ने खेत में तबाही मचा रखी है, सड़क पर किसान और आम आदमियों की सांड जान ले रहे हैं, तेंदुओं ने पूरे हमारे लोकसभा क्षेत्र में आतंक मचा रखा है। 2022 के विधानसभा के चुनाव में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहराइच के जनसभा में कहा था कि 10 मार्च के बाद आवारा पशुओं की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उनका वादा याद दिलाना चाहता हूँ। नवगठित 18वीं लोकसभा की पहली बैठक ऐसे कालखंड में हो रही है जब भारत की तरुणाई अपनी जायज मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी हुई है। अति महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक होने जैसी परंपरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में पड़ी है। देश भर के कर्मचारी पुरानी पेंशन की जायज मांग कर रहे हैं। यूपी के शिक्षा मित्र सैकड़ों की संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर रखा है। मैं देश के इन युवाओं को, इन सभी कमेरा वर्ग के लोगों को पूरी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, ये विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी आपकी आवाज बुलंद करती रहेगी। हमने ये सोच कर तलवार उठा ली, बढ़कर जुल्म सहना भी तो जालिम की तरफदारी है। सभापति जी, यहां आने से पहले नई संसद के बारे में काफी कुछ सुना था, लेकिन अंदर घुसते ही कदम ठिठक गए जब फर्श पर हमने मोर पंख की प्रतिकृति देखी। हमारे हिंदू धर्म में ये पवित्र मोर पंख माना गया है जो ऊर्जा देता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने माथे पर इसको मान देने का काम किया था। अपने सदन की आलोचना नहीं जी, ये जो सदन या परिसर है पार्लियामेंट का, ये स्पीकर के डोमेन में है। आप जो मिले हैं वो सुझाव दे देंगे। ये कहीं ना कहीं इसको हटाना चाहिए, इसलिए मैं इसको हटाने की मांग करता हूं। माननीय सभापति जी आपने मुझे बीच में टोक दिया। टोका नहीं, करेक्ट किया आपको, हमने केवल करेक्ट करने को। आपकी मेडिन स्पीच, माननीय सभापति जी, आपकी मेडिन स्पीच है, इसलिए मैं टोक नहीं रहा। माननीय सभापति जी, आपने तो अपने जज्बात की तर्जमानी अदम गोडनवी के उससे असरात से ही कर दिए हैं। नहीं नहीं, माननीय सभापति जी, अब आपने, चूंकि मैं सरकार पर ज्यादा हमलावर था इसलिए शायद आप मुझे टोक रहे थे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, सत्ता पक्ष भले ही महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के मार्फत ये दावा करे कि उसकी बहुमत की सरकार बनी है, लेकिन देश हकीकत जानता है कैसे ये बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है। यहाँ दुष्यंत कुमार जी की चार पंक्तियां मुझे बरबस याद आ रही हैं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। अंत में मैं नैमिषारण्य की पवित्र पुण्य भूमि, छोटी काशी गोला की पवित्र पुण्य भूमि, महाराजा छीतापासी की पवित्र पुण्य भूमि की नमन करते हुए आदरणीय नेताजी के चरणों में
आदरणीय नेताजी के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आनंद जी, बहुत बढ़िया।